कैसे हैं आप सब? आप सभी को नमस्कार। मैं आया हूं एक नई ड्राइंग को लेकर आपके बीच में, और इस ड्राइंग को मैं काफी समय से बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था, तो अभी बस मैं इसको शुरू करने जा रहा हूं। इसकी आउटलाइन तो मैंने बना के रख ली थी, लेकिन इसको ड्रॉ करने का मेरे को मौका नहीं मिल पा रहा था। अब जैसे ही समय मिला वैसे ही सेवा में हाजिर है कलाकारी की। तो शुरू करते हैं ड्राइंग, और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी शीट, कौन सी पेंसिल या फिर कौन कौन सी चीज़ें मैंने इस्तेमाल करी है। तो आइए शुरू करते हैं कलाकारी। हमने स्क्रीन पे मैंने आउटलाइन तैयार कर ली है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने के अंदर कि ये कौन है। ये है बॉलीवुड के कॉमेडी स्टार, खलनायक, स्वर्गश्री कादर खान जी। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने काफ़ी समय से सोच रखा था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब जैसे ही टाइम मिला मैं इसको ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आउटलाइन मैंने इसके ऊपर बना ली है। ये शीट है फैब्रियानो की, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ड्राइंग पैड है, A4 साइज है, फैब्रियानो का, अकेडमिया। इसके ऊपर आप वाटर कलर या कलर पेंसिल या ग्रेफाइट पेंसिल, चारकोल पेंसिल, कुछ भी इस्तेमाल करिए, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो और मैं पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्टेडलर की पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसकी आउटलाइन मैंने स्टेडलर की 0.3 से इसकी आउटलाइन करी है। तो बस ये दो चार ही सामान है। और इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, डरबेंड का डिवाइडर, इसकी मदद से मैंने इसको आउटलाइन तैयार करी है मैंने। तो अब शुरू करते हैं कलाकारी। जो आगे का वीडियो वो थोड़ा टाइम प्लेस हो जाएगा, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि धीमे धीमे चलें, और वो फिर तीन चार पार्ट बन जाते हैं फिर उसके, फिर वो बहुत मुश्किल होता है, फिर आप लोग देखते नहीं हो। तो इसीलिए मैं इसको आउट टाइमलेस वीडियो के अंदर शूट करूँगा। तो शुरू करते हैं कलाकारी। ड्राइंग को तैयार करने में स्टेडलर की 0.3 पेंसिल का इस्तेमाल किया है मैंने। और अब आगे आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल लाइट पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि 2H, H या 9H, 4H। तो इन सभी पेंसिल का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे ऊपर हेयर्स को बनाने के लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से। बालों को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आप लाइट पेंसिल से इस्तेमाल करें और डार्क पे जाएं, जैसे कि 2H, 4H, 2B, B और 4B और 6B आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो लाइट से डार्क शेड की तरफ हम जाते हैं तो वो अच्छे से मिल्ट हो जाती है, और जो हम हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं वो दिखता भी है। फ्रेंड्स, अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं या अगर आप ड्राइंग का शौक़ रखते हैं, तो कोई भी आपको ड्राइंग नहीं सिखा सकता, जब तक कि आपके अंदर आप खुद ना चाहो कि मेरे को ड्राइंग करनी है या सीखनी है। आपके अंदर वो फैशन, वो नशा, वो एडिशन होना चाहिए जो आपको तैयार करे कि नहीं करना है। मैं जब पहले ड्राइंग करता था, करीब आज से 8 से 10 साल पहले, तो मैं फ्री हैंड ड्राइंग करता था। सामने कोई चीज़ होती थी और मैं उसको देख के बनाता था, और काफ़ी अच्छे से वो बन भी जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, अब मैं ग्रिड का इस्तेमाल करता हूँ, स्केल का इस्तेमाल करता हूँ, तो अब मेरे को फ्री हैंड ड्राइंग मेरे से नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में कोशिश करता हूँ कि मैं फ्री हैंड बनाऊँ। फ्री हैंड ड्राइंग आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, या ये बोलूँ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे जैसे इस फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं तो आप देखते हैं कि लोग, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं, वो ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं, वो इसीलिए कि जो वो बनाना चाहते हैं वो फ्रेम से बाहर नहीं जाता, और वो टेक्निक भी बहुत परफेक्ट है, क्योंकि उससे बहुत अच्छा बनता है और बहुत बेहतर बनता है। काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हैं, भैया आप कौन सी पेंसिल से ड्राइंग करते हो? तो मैं उनको हमेशा यही जवाब देता हूँ कि मैं कोई सी भी पेंसिल से ड्राइंग कर लेता हूँ, चाहे फिर वो अप्सरा की पेंसिल हो या नटराज की पेंसिल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी पेंसिल से ड्राइंग कर रहा हूँ।
फ़र्क इससे पड़ता है कि मैं प्रैक्टिस कितनी करता हूँ। अगर मैं दिन भर में कम से कम एक ड्राइंग बनाता हूँ तो यानी कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यानी कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और आप देखेंगे कुछ सालों के अंदर आप बहुत अच्छे कलाकार बन रहे हैं। इस ड्राइंग को पूरा करने के लिए मेरे को 45 से 48 घंटे का समय लगा है और वो घंटे मैं 2 घंटे 3 घंटे मैंने इस हिसाब से ड्राइंग करी है, कभी लंच टाइम कभी नाइट में। तो मेरे को समय नहीं मिल पाता ड्राइंग करने के लिए, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मेरे को पूरे दिन भर में 2 घंटे का समय मिला तो मैं ड्राइंग करने बैठ गया, या फिर रात के अंदर फिर समय मिला तो ड्राइंग करने के लिए बैठ गया। तो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया है। लेकिन ये जो मेरा टास्क है इसको मैंने पूरा करके ही मैंने माना हूँ। ड्राइंग करते वक्त हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपकी आउटलाइन है वो एकदम परफेक्ट हो। आप एक नहीं उसको 2 बारी चेक करिए, क्योंकि वही चीज़ दिखाती है कि आपने कितना उसके अंदर काम किया है, कितना समय दिया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि लाइन हमेशा सीधी हो। ड्राइंग करते वक्त हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करें, मतलब आदि ना बने कि मेरे पास में अगर ये होता तो और अच्छा हो जाता, वो होता तो और अच्छा हो जाता, यानी सामान के ऊपर डिपेंड ना रहे। आप टेक्निक के ऊपर ध्यान रखें कि आप कितना अच्छा करना जानते हैं, क्योंकि सामान के भरोसे बैठेंगे तो फिर तो हो गई ड्राइंग। मैंने ऐसी बहुत सी ड्राइंग है जो मैंने एक ही पेंसिल से शुरू करी और एक ही पेंसिल से ख़त्म करी है। आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ज़रूर ये चीज़ करके दिखा सकता हूँ या कर भी सकता हूँ कि एक ही पेंसिल से मैं पूरी ड्राइंग बना सकता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक टेक्निक है कि कब पेंसिल को लाइट और डार्क चलाना है। इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए मैंने 6 से 7 पेंसिलों का इस्तेमाल किया है, जिसमें 3 लाइट पेंसिल थी और 3 डार्क पेंसिल थी। और इसमें एक मोनो इरेजर का इस्तेमाल किया है जो कि राउंड गोल टाइप का होता है, वो हाईलाइट करने के काम में आता है, जो कि आप हेयर्स में, आईज में या फिर आप क्लॉथ में उसको हाईलाइट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं जहाँ पे वाइट होता है। ड्राइंग अपनी कंप्लीट हो गई, बस अब इसको लास्ट फाइनल टच में ये चल रही है, जो कि जहाँ पे डार्क का शेड देना है वहाँ डार्क आ रहा है और जहाँ पे लाइट का शेड देना है वहाँ पे लाइट आ रहा है। ड्राइंग का वीडियो बनाना इज़ नॉट ईजी, कोई मजाक नहीं है कि आप ड्राइंग भी कर रहे हो उसका वीडियो भी आप बना रहे हो, यानी आप ड्राइंग पेंसिल भी चला रहे हो और साथ में आप कैमरे की तरफ भी ध्यान रख रहे हो कि वो सही से शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही से कैमरा जूम करके देख पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो ये बहुत मुश्किल है कि आप ड्राइंग में ध्यान रखो या फिर कैमरे की तरफ। तो मुझे तो बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है कि मैं ड्राइंग भी कर रहा हूँ और शूट भी कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमें भी आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। देखो यार, हम कोई इतने बड़े लोग तो है नहीं जो लाखों करोड़ों के सपने देखते हों। छोटे से आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए, और छोटा सा शौक़ रखते हैं ड्राइंग करने का। साथ के अंदर अपना काम चलता रहता है, तो अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ जाएंगे यार, ठीक है ना? तो ऐसे ही अपना ड्राइंग का जो शौक है वो चलता रहेगा, और अगर आपका प्यार मिलेगा, साथ मिलेगा, तो शायद और आगे बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ प्यार देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बहुत ही जल्द एक नया वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, जो कि थोड़ा सरप्राइज रखते हैं इसको। बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, और एक वीडियो बस और आने वाला है। तो बाय बाय, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और सपोर्ट करिए यार, प्लीज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाय बाय।